हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मोहम्मद साहबाज आलम एंड यू वाचिंग रमदान ट्यूटोरियल योर डोर टू द फ्यूचर। हम आज है सिमंदे वाले सेंटर पे पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स। चैप्टर है लॉगरिथम। अगर आप देखना चाहते हैं चैप्टर लॉगरिथम को तो चलिए हमारे साथ क्लास स्टार्ट कीजिए, सीखिए लॉगरिथम। सब लोग रेडी हैं, क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 21, चैप्टर का नाम है लॉगरिथम, हिंदी में भी लॉगरिथम ही कहते हैं। ये चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के बेसिक्स और जितने भी फॉर्मूलाज है वो आज आपको बता दिए जाएंगे। मैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, ये आने वाले पार्ट्स में होगा, डिपेंड करता है व्यूज़ कैसे आ रहे हैं वीडियोज़ पर उस पर, ठीक है। पहले हम लोग लॉगरिथम के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में हमारा डिस्कशन होने वाला है लॉगरिथम, ठीक है। इस लॉगरिथम में याद रखिए जो पहला 3 लेटर है लॉग, यही हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका होगा, यानी कि जब भी कुछ लॉगरिथम लिखते हैं तो वो दिखने में कैसा होता है वो मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ। देखिए लॉग जब भी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे LOG लॉग, ठीक है। और लॉग के बाद आप हमेशा लिखोगे यहाँ पर लॉग के बाद एक नंबर, ठीक, और एक नंबर आप यहाँ नीचे लिखोगे। लॉग के बाद जो नंबर लिखोगे मैं उसके बारे में पहले बात करता हूँ। लॉग के बाद आप जो नंबर लिखिएगा वो होगा लॉग ऑफ, ठीक है। लॉग के बाद जो नंबर लिखिएगा वो होगा लॉग ऑफ। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहां लिखता हूं 2 तो आप क्या इसे पढ़ोगे, log of 2, किसका पढ़ेंगे log of 2। और मैं अगर पूछूं इसका बेस, तो इसका बेस होता है log में g के ठीक पास में नंबर लिखा जाएगा, यहां पर भी एक नंबर लिखा जाएगा, इसे बोलेंगे log का बेस। एग्जाम्पल लेता हूं 3, तो ये क्या हुआ, ये हुआ log 2 टू द बेस 3, क्या हुआ log 2 टू द बेस 3। कैसे पढ़ेंगे इसको, log 2, ये 2 है, ठीक है, टू द बेस 3, ये 3, समझ आया, log 2 टू द बेस 3। पहले ये पढ़ना सीख लीजिए, चलिए मैं एक लिख के दिखाता हूँ, इसको पढ़िए, ये क्या है log, इसको पढ़ के बताइए क्वेश्चन। मनीष इसको पढ़ के बताइए, बेस, वेरी गुड, समझ में आया। स्वीटी इसे पढ़ के बताइए, वेरी गुड, log 3 टू द बेस 9। तो इस तरह से हम लोग log को पढ़ते हैं, सब लोग, बाकी सब लोगों को क्लियर है, मैं और एग्जांपल प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूं। अब ये जो हम लोगों ने log लिखा किसी एक नंबर का और उसके बेस में जो नंबर डाला, तो ये कंप्लीटली नया फॉर्म है ना, जो आप लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखा है। तो चलिए जानते हैं इस पर कौन से प्रॉपर्टीज काम करते हैं, ये कैसे ऑपरेट होता है, इस पर जोड़ घटाव कैसे होते हैं, ये सारी चीजें। तो आज के क्लास में हम लोग लॉग के बेसिक्स को जानने वाले हैं, बस बेसिक्स, फॉर्मूला और उस फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करें। वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथमेटिक्स का जो बुक है हमारा क्लास 9 गणित प्रकाश, ठीक है, मैं गणित प्रकाश की बुक को यूज़ कर रहा हूँ। इसमें पेज नंबर 280 में जितने भी फॉर्मूलाज दिए गए हैं वो सारे फॉर्मूलाज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्मूला के साथ। इस पेज में जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसमें जो पहला फॉर्मूला है वो कहता है log 1, पहला फॉर्मूला क्या कहता है log 1, और इसका बेस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख के बताइए बेस कितना दिया हुआ है a, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 0। समझना है, अगर आपके पास log है किसी एक नंबर का और वो नंबर कौन है, log किसका है इसमें, log किसका है 1 का, उसका बेस कौन है a। देखिए लिखा गया है a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, a का पावर 0 करने पे 1 होता है, ये उसी प्रॉपर्टी को यूज करके है। आपको अभी फिलहाल वो नहीं समझना है, बस इस तरह से समझिए कि log 1 टू द बेस a, यानी a कोई भी नंबर है 0 छोड़कर, और log किसका लिया गया है 1 का, तो मान कितना है 0। अगर मैं बोलूं log 1, अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, बोल रहा हूं log 1 टू द बेस 5, बताइए इसका मान कितना होगा, आंसर होगा 0, क्योंकि मैंने log किसका लिया है 1 का, तो इसका आंसर कितना होगा 0। बेस में a मतलब कोई भी नंबर, a मतलब कोई भी नंबर एक्सेप्ट 0, इस a का मान 0 नहीं हो सकता, किसका मान 0 नहीं हो सकता, इस a का मान, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रॉपर्टी देखिए, अभी जो पहले जो स्टार्टिंग में जो 2-3 प्रॉपर्टीज है बहुत इजी प्रॉपर्टीज है। दो नंबर प्रॉपर्टी कहता है log a टू द बेस a, log किसका है और इसका बेस कौन है, दोनों सेम है या अलग अलग, सेम है, तो इसका मान हो जाएगा 1, क्लियर। एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन बताऊं,
अगर मैं लिखता हूं log 3 टू दी बेस 3, इसका मान क्या होगा? 1. क्यों? जिसका log है बेस में वही है, तो मान कितना होगा? 1. ये पहले दो प्रॉपर्टीज मैंने करवाए, समझ में आ गया? आगे बढ़े जी. अगर सेम रहेगा तो न्यूमरिक वैल्यू आ जाएगा 1. सेम नहीं रहेगा, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि log 3 टू दी बेस 9. आप इस चैप्टर को एडवांस कीजिए, आगे बढ़िए. नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम आने वाले चीज़ों में सीखेंगे. ठीक है, नहीं होने पे बहुत तरह की चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि अगर वो सेम नहीं है तो उस पर कैलकुलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. वो सारी चीज़ें हम लोग आते आते धीरे धीरे सीखने वाले हैं. चलिए, 3 नंबर. थर्ड प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है, ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. ठीक है, ये प्रॉपर्टी 11 12 में भी काम में आती है. बच्चों को मैं पूछता हूँ, 12 में मैथमेटिक्स में ये काम में आता है. 12 मैथमेटिक्स के बच्चे इस चीज़ को बताने में भूल जाते हैं. क्यों? क्योंकि 9 में ठीक से पढ़े नहीं है. तो आप लोगों को याद रहना चाहिए, ए इसके पावर में मैं दे रहा हूँ लॉग को. ए का पावर कौन है? लॉग. अब लॉग किसी का होगा? मैंने देख दिया लॉग किसी एक नंबर का, फॉर एग्जाम्पल एम. लॉग किसका दिया? एम का. अब लॉग का बेस मेंशन करना होगा, मैंने बोल दिया कि बेस है ए. ध्यान से समझिए, यहां नोट करने वाली चीज है, जिसका पावर है लॉग का बेस भी वही है, जिसका पावर है बेस भी वही है. अगर ये सिचुएशन है तो इसका रिजल्टिंग वैल्यू होगा सिर्फ ये नंबर m. क्लियर? एग्जांपल देके बता रहा हूं, एग्जांपल से समझिए. 2 का पावर है लॉग 3 टू दी बेस 2, आंसर कौन बोलेगा? ओके, ज्योति इसका आंसर बताइएगा. 2 टू दी पावर लॉग 3 टू दी बेस 2, आंसर क्या होगा? नहीं पता? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही वर्षा. 2 का पावर आपने लिया, देखिए जिसका पावर है बेस में वही है, तो आंसर हो जाएगा नंबर इटसेल्फ 3. समझ आया? थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर हुआ सबको? तो अब तक हम लोगों ने पहले 3 प्रॉपर्टीज किए. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े, प्रॉपर्टी नंबर 4. 4 नंबर प्रॉपर्टी कहती है लॉग ए, और इसका बेस कौन है? मान लेते हैं बेस है बी. इस चीज को ध्यान से समझिए, ये आने वाले क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल होगा. लॉग कौन है? ए, और उसका बेस कौन है? बी. अगर ऐसा है तो हम इसे और एक तरीके से लिख सकते हैं, पता है कैसे? 1 बाई लॉग बी टू दी बेस ए. क्या किया? लॉग किसका था? ए का. और बेस कौन था? इसमें लॉग किसका है और बेस, मतलब जिसका लॉग था वो बेस बन गया और जो बेस था वो लॉग बन गया. समझ आया? इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी किया जाता है क्वेश्चंस में. इस पर एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊं? चलिए एक फॉर्मूला देखिए. एग्जांपल, मैं लिखता हूं कि लॉग 2 टू द बेस 3 है. अब मैं लिखना चाहता हूं कि लॉग 3 का हो जाए और बेस 2 हो जाए, तो मैं लिखूंगा 1 बाई लॉग 3 टू द बेस 2. क्लियर हुआ? तो ये 4 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सीखे. ये चारों प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन मन में नहीं है? आसानी से समझ में आ गया? 4 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने लॉग पे किए. इसके अलावा भी इस चैप्टर में हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज आने वाले हैं जिनको हम लोग जानेंगे. अगर प्रॉपर्टी लिस्ट को देखा जाए तो टोटल 10 प्रॉपर्टीज है. इन 10 प्रॉपर्टीज को मैं एक वीडियो में बिल्कुल भी कवर नहीं करूंगा. मुझे लगता है कि इन वीडियोस में आप लोगों को एक एक करके जो प्रॉपर्टीज सिखाई गई हैं उन पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए देना चाहिए. तो इन 4 प्रॉपर्टीज के बाद मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, उन क्वेश्चंस को आप लोग बनाइए और इस वीडियो के एंड पे हमें कमेंट कीजिए. कमेंट सेक्शन पे जाके मैं आप लोगों को क्वेश्चंस देता हूं जो आपको घर पे बनाने हैं. इन चारों प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन से मैं नहीं बता रहा हूं कौन सा क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, बस मैं आपको क्वेश्चन दे दे रहा हूं, आपको बनाना है. मैं इस स्पेस को यूज कर रहा हूं आपको क्वेश्चन देने के लिए. इस स्पेस पे आप लोगों को क्वेश्चन दिया जा रहा है, एक एक करके क्वेश्चन उतारिए. पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है, लॉग 5 टू द बेस 5, इसका आंसर क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन, लॉग 2 टू द बेस 5 बराबर 1 बाई लॉग किसका होगा? बेस 2. अगला क्वेश्चन, यहां पर एक फिल इन द ब्लैंक है, इस क्वेश्चन मार्क पे आपको फिल अप करना है. थर्ड क्वेश्चन, 2 टू द पावर लॉग 9 टू द बेस 2, बताइए इसका मान क्या होगा? ये 3 नंबर क्वेश्चन है. 4 नंबर क्वेश्चन, लॉग 1 टू द बेस 9, इसका मान 9 है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? इन चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए. ये चारों क्वेश्चंस इन चारों प्रॉपर्टीज पे बेस्ड ही है, लेकिन आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्रॉपर्टी कौन से क्वेश्चन पे. आई जस्ट होप
कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इस चैप्टर को सीखना चाहते हैं, उनको ये सारी चीज़ें ठीक से समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आते हैं तो काइंडली हमसे अगले वीडियो में मिलिए, जहां पर मैं आप लोगों को इस चैप्टर के बाकी चीज़ों के बारे में करवाऊंगा। इस वीडियो प्लेलिस्ट को आगे देखने के लिए और इसके बाकी चैप्टर्स को जानने के लिए कमेंट सेक्शन पर जाइए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के व्यूज़ और कमेंट्स के बेसिस पर इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूंगा। आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद साबा सलम। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दें, नहीं पसंद आने पर डिसलाइक करें, और मुझे बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम इंप्रूव करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।